हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। एंड मैं अभी मॉर्निंग का जितना भी काम है वो सारा हो गया है। एंड डे आज 6 है, तो 5 दिन में जो है काफ़ी अच्छा खासा वेट रिड्यूस हुआ है। एंड कल का जो वेट था वो मैं भूल गई थी, तो आज मैंने मेज़र किया है तो 60.1 है। एंड अगर आप देख लो, 5 डेज में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वेट रिड्यूस किया। 62.4 पे स्टार्ट किया था एंड विदाउट क्लोज, एंड विदाउट क्लोज जो है आज जो है वो 60.1, तो 2.3 के आसपास वेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो काफ़ी अच्छा वेट रिड्यूस हुआ है। डेली जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हॉट वाटर प्लस एप्पल साइडर विनेगर लेना, तो वो सारा सब मैंने ले लिया है। एंड अब चलते हैं किचन में, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। एंड ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उपमा, वो है ओट एंड सूजी का उपमा। तो वो कैसे क्या बनाते हैं, चलते हैं किचन में एंड देखते हैं कि कैसे क्या बनता है। सो गाइस, किचन में आ गए हैं एंड स्टार्ट करते हैं उपमा। तो इसके लिए पैन चढ़ा दिया है एंड इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास डाल दीजिए। तो इसमें वेजिटेबल्स लगेंगी, वो मैं आपके साथ पहले दिखा दूं। ये अनियन, टोमेटो, बीन्स एंड ये है बेल पेपर, रेड वाला है मैंने लिया। आप चाहे कैप्सिकम डाल सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल है कोई भी वेज वो आप इसमें डाल लें। ऐसा नहीं है कि यही जो मैंने आपके साथ शेयर की है वही सारी हूँ। तो बस ऑयल गरम हो गया है, देन इसमें डालूंगी मैं अनियन। उसके बाद में इसमें डाल देंगे बीन्स, थोड़ी हल्की हल्की जो ये वेजिटेबल्स हैं ये थोड़ी कुक कर लेनी है। ये बीन्स डाल ली एंड इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे जिससे ये थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। इसके बाद में मैं डालूंगी ये बेल पेपर। इसको थोड़ी देर 3-4 मिनट्स इसको ढक के थोड़ा पका लेंगे। अच्छा हल्का सा एक मतलब आप ये समझ लीजिए 30-40% ये जो है थोड़ा कुक हो जाएगा ना, तो खाने में अच्छा लगेगा। तो गाइस ये कुछ इस टाइप से कुक हो गई है एंड इतना ठीक है। उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें टोमेटो, बाद में इसमें फिर मैं डालूंगी सूजी। इतना अच्छा कलर आ रहा है, ग्रीन भी है, ऑरेंज है, टोमेटो भी है, तो काफी अच्छा कलर आ रहा है। एंड ये थोड़ा सा कुक हो गया है, देन इसमें ऐड करेंगे सूजी। ये मैंने ली है 50 ग्राम एंड 50 ग्राम सूजी लेंगे एंड 50 ग्राम ओट्स लेंगे। आप चाहें तो इसके पहले मसाला डाल सकते थे, मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, पहले सूजी को हल्का सा इसमें भून लेंगे। एंड इसके बाद में डालूंगी ओट्स एंड ओट्स को भी मैंने 50 ग्राम ले लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। तो इसको भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये बस रोल करना है, इसी में मिक्स कर लेना जैसे कि। उसके बाद में फिर मसाले डालेंगे, देन पानी ऐड हो जाएगा। सो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 3/4 हल्दी, 3/4 धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा लाल मिर्च, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, एंड थोड़ा सा गरम मसाला बस, एंड थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो इसको 3 या 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये क्योंकि हर एक चीज रोस्ट हो चुकी है, आपकी जो वेज है वो ऑलमोस्ट पकी हुई है, मैंने सूजी भी थोड़ी सी पका ली है, ओट्स भी पका ली है, तो इतना ज्यादा अब इसको कुक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा कुक करेंगे एंड रेडी है। सो गाइस ये कुछ इस टाइप से बन गई है एंड बस इतना ही मुझे ड्राई रखना है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। सो गाइस ये जो बोल है मैं इसमें इसको सर्व करूंगी। सो गाइस इसका वेट चेक कर लेते हैं एंड वन सेकेंड,
ये बाउल के साथ होगा तो पहले इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। ये 363 ग्राम। सो बाउल के साथ है 363 ग्राम। एंड एक बाउल अलग से ले लेते हैं, वो कितना होगा, ये है 128 ग्राम। तो आप उसमें माइनस कर दीजिए, तो इतना सफिशियंट है। आप अगर और भी खाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मीन्स इसको आपको 200 ग्राम के आसपास लेना है। सो गाइस वेलकम बैक, एंड मैं आ गई हूँ अपने उपमा के साथ। एंड काफ़ी यम्मी लग रहा है, देखने में काफ़ी कलरफुल है। तो अभी इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा क्या बना है। बहुत यम्मी लग रहा है, सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये, मतलब हम लोग डाइट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस हम लोग खा रहे हैं। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मैं अभी और भी ट्राई करूँगी कि नई नई रेसिपी मैं लेके आऊँ डाइट वाली। तो आप लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि आप कंटिन्यू करना। सो अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं ज़रूर कंटिन्यू कर पाऊँगी। सो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं बस आगे से आगे आपके साथ, मतलब डाइट के साथ साथ मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी लाऊँ कि सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएँ। मीन्स आप देख रहे होंगे कि फाइबर भी है, मेरे जो भी डाइट में ले रही हूँ उसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी मैं अच्छे से ले रही हूँ। तो सारा सब कुछ इस डाइट में है। एंड उसके साथ साथ भी काफ़ी अच्छा वेट भी रिड्यूस हो रहा है। 5 दिन में ऑलमोस्ट जो है 2.5 किलो हम लोगों ने वेट कम कर लिया है। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ी बॉडी भी लाइट फील कर रही है। तो बस अभी इस उपमा को इंजॉय करते हैं, खाते हैं अच्छे से। एंड उसके बाद में मैं मिड ब्रेकफास्ट में एक एप्पल लूँगी छोटा सा। एंड उसके बाद में मैं लंच में आज जो है वो दाल की टिक्की बनाऊँ। तो जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलते हैं लंच के टाइम। तो गाइस यहाँ पे मैंने ली है ये आधी कटोरी के आसपास दाल। एंड ये जो दाल है ये मूँग की दाल है, मतलब बिना छिलके वाली, तो ये है। एंड इसको जो है गरम पानी में भिगो देंगे। हे गाइस वेलकम बैक, एंड अभी लंच करने में जो है आधा पौन घंटा है। तो अभी चलते हैं किचन में एंड बनाते हैं। अभी आपने देखा जैसे मैंने दाल भिगो के रख दी थी गरम पानी में, तो वो हो गई है। एंड उसको ग्राइंड करके एंड कैसे क्या टिक्की बनाते हैं वो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये एक्चुअली मैंने उनकी रेसिपी देखी थी, वो उन्होंने बनाई हुई है, तो मैं सेम तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं अपना भी जो मेरा टेस्ट है या जो मुझे आता है वो मैं ज़रूर उसमें करूँगी। तो बस चलते हैं किचन में। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने दाल भिगोई थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, कुछ इस टाइप से की है। तो इसमें थोड़ा सा पानी पड़ा था, नहीं तो वो सही से ग्राइंड हो नहीं पा रही थी। तो ये है, एंड इसमें मैं डालूंगी अनियन। तो ये रहा, थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ये रहा। देन उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें ये है लौकी, एंड ऊपर धनिया पड़ी है। तो ये है लौकी, ये रही लौकी। एंड इसको कद्दूकस कर लिया था, बाकी इसमें पानी भी मैंने निकाल लिया था क्योंकि टिक्की बना रहे पानी बहुत छोड़ता है लौकी। तो ये डाल दिया, एंड इसके ऊपर थोड़ी मैंने धनिया पत्ती डाल दी, तो ये भी सारा जाएगा। थोड़ा सा ही लिया था, आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना कि अगर आप अपने घर वालों के लिए भी बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से कर लेना। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये बेसन, थोड़ा सा, और ये रहा 2 स्पून बेसन। देन थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बीपी, मेरा जो बीपी रहता है वो लो साइड रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि लंच के लिए बना रही हूँ, तो लंच में थोड़ा सा रहता है ना कि आप थोड़ा कम नमक लें। ब्रेकफास्ट में तो चल जाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही लूँगी ये नमक, ये डालती है बस इतना ही। एंड इसको सारा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस टाइप से होता है। तो आप ऐसे ही अपने हैंड पे ऐसे बना के,
फिर इसको पकने देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे जिससे कि इसमें जो लौकी पड़ी है वो अच्छे से पक जाए, एंड बेसन भी है तो सारा सब अच्छे से पक जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे एंड जो फ्लेम है वो थोड़ा लो कर देंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। सो गाइस अभी चेक कर लेते हैं, देन इसको पलट देते हैं। वाओ अच्छे से इधर से कुक हो गई है, आप देख रहे हैं। इसको फिर से अगेन ढक देते थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। सो गाइस ये है इस टाइप की ये टिक्की बनी है एंड ये साथ में है धनिया की चटनी एंड ये रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई ये डाइट वाली डिश लगी नहीं रही है। चलिए खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। सो गाइस ये रहा खाना मेरा लंच एंड टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है ये। गुड, बस इसमें थोड़ा सा मेरा बेसन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो बेसन जो है वो थोड़ा कम रखें। वो थोड़ा सा गीला तो रहता है लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बेसन इसमें बेसन का ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी दाल है, एक और दाल मतलब एक बेसन हो गया तो वो थोड़ा उसका ज़्यादा है, या फिर आप लौकी ज़्यादा कर लें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। बाकी टेस्ट तो बहुत अच्छा है एंड बस मैं इंजॉय करती हूँ इस लंच को एंड मिलते हैं इवनिंग में। सो गाइस वेलकम बैक एंड अभी जो है वो डिनर का टाइम हो गया है एंड मैं करने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं ऐसा कुछ नहीं खा रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, मीन्स किचन में जाके आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ एंड मैं बस यहाँ पे मैंगो ले रही हूँ क्योंकि जो मैंने टिक्की खाई थी मतलब काफ़ी फीलिंग वाली थी तो इतनी कोई ख़ास भूख लगी नहीं। देन मैंने इवनिंग में मखाने लिए थे एंड तो वो भी काफ़ी फीलिंग वाला होता है तो बस अभी जो है वही मैं एक जो है वो मैंगो ले लिया है। मैंगो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो इससे अच्छा मुझे कुछ लगता नहीं है तो मैं मैंगो ले लेती हूँ जिस दिन मुझे कुछ ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा। तो बस अभी जब तक मैंगो हैं तब तक मैंगो से काम चला एंड मैंगो अब वैसे बंद होने वाले हैं। सो नाइट में ले रहे हैं, नाइट ड्रिंक में ले रहे हैं अजवाइन टी एंड अजवाइन को थोड़ा सा पानी में डाल के मतलब एक कप पानी डालेंगे एंड उसको थोड़ी देर बॉयल होने देंगे एंड आधा कप करके मैं वो ले लूँगी एंड उसके बाद में फिर सो जाऊँगी। देन गाइस मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, बाय, गुड नाइट।